सर आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन, मैं हूँ आपके साथ नरोत्तम सिंह। जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें समाज कल्याण विभाग के मंत्री और ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री मौजूद थे। और इस बीच समाज कल्याण विभाग के कुछ कर्मचारी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें अब हटा दिया गया है। इसको लेकर वो मंत्री से मिलने आए थे और उन्होंने मदन सहनी, जो समाज कल्याण विभाग के मंत्री हैं, उनसे अपनी फरियाद सुनाई है। और जो अशोक चौधरी ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री हैं, उनको भी घेर कर उन लोग अपनी फरियाद को सुना रहे थे। इन लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या मंत्री जी से बातचीत हो रही थी? मंत्री जी से आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं। क्या बातचीत थी? कुछ नहीं, आश्वासन दे रहे हैं। हाँ, पहले तो अंदर जाने नहीं दिए, फिर रिक्वेस्ट किया गया तो एक एक आदमी करके बुलाया गया, दो आदमी को। किस पद पर आप लोग थे? हम लोग प्रखंड परियोजना सहायक के पद पर थे। कब से जॉब कर रहे हैं? 2019 से हम लोग सितंबर में नियुक्ति हुआ था, 2022 तक हम लोग का कार्य लिया गया है, 31 अगस्त 2022 तक, 19 से 22 तक। अचानक आप लोग को क्यों पदमुक्त कर दिया गया? क्या कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया? कॉन्ट्रैक्ट नहीं खत्म हुआ था, और अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता तो उस एक ही विज्ञापन पर चार पोस्ट की बहाली किया गया था, तो चारों पोस्ट के लिए ख़त्म होता, और सिर्फ एक पोस्ट को वहाँ से कटिंग कर दिया गया बिना रीजन बताए। ये तो सरासर गलत है, सरकार की मनमानी है। सरकार आपकी बात नहीं सुनती है तो आगे क्या करेंगे? सरकार आगे बात नहीं सुन रही है तो इसका परिणाम आने वाले समय विधानसभा में मिलेगा। और भी कुछ लोग हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ? मनोज कुमार। कहाँ से आए? मुजफ्फरपुर से। मंत्री जी से आप लोग बातचीत कर रहे थे, क्या बातचीत हुई? मंत्री जी से बातचीत किए थे कि पोषण अभियान के तहत चार पद की बहाली की गई थी, तीन पद को रखा गया है योजना अवधि तक के साथ साथ बहाली की गई थी, एक पद को अकारण हटा दिया गया है, जिसका आश्वासन पिछले 2 साल से देते आ रहे हैं कि अभिलंब इस सरकार रोजगार पर काम कर रही है, सबको रखा जाएगा, उसका पत्राचार भी किए हुए हैं। हम लोग लगातार मिलते आ रहे हैं कार्यालय के, अब माने अनुशंसा पत्र भी जिला स्तर से DM, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, CDPO द्वारा 2 साल पहले मिला, लेकिन आश्वासन के सिवा हम लोगों को आज तक कुछ नहीं मिला है। सरकार से मांग करते हैं कि अभिलंब हम लोगों को जो 3 साल कार्य किए हुए हैं वो रखे। क्या नाम हुआ? मैं मंत्री जी से बातचीत हुई है, क्या आश्वासन? वो तो आश्वासन सर हमेशा से दे जा रहे हैं, 2 साल पहले भी सर ने आश्वासन दिया था कि हम आप लोगों के लिए ठोस निर्णय ले रहे हैं, लेकिन आज भी हम लोग देखिए वहीं के वहीं खड़े हैं। आज फिर हम लोग सर से आग्रह करने आए हैं कि सर हम लोग के बारे में सोचे, क्योंकि हम लोग बेरोजगार हो चुके हैं, हम लोग की उम्र सीमा भी खत्म हो चुकी है, हम लोग कहीं फॉर्म भरने लायक भी नहीं रहे। हमारा हम लोग 3 साल हो चुका है, 3 साल हो चुका है, उसके बाद 2 साल से हम लोग 2022 से ही चक्कर हर कार्यालय का हर मंत्री का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हम लोग के लिए कुछ नहीं। 3 साल का था लेकिन 4 पोस्ट की बहाली हुई थी एक साथ, 3 पोस्ट को रखा गया, 1 पोस्ट को ही विलोपित किया गया, प्रखंड परियोजना सहायक पोस्ट को ही विलोपित किया गया है। आगे क्या करिए? आगे के सरकार से ही मांगे कि हमें पुनः उसी पोस्ट पे रखे या फिर हम लोगों का समायोजन करे। हम लोग का जीवन, हम लोग का बच्चों का भविष्य देखते हुए, हम बिहार की ही लड़की हैं, सरकार अपने बिहार की लड़की को इज्जत से अपने घर में समाज में मान प्रतिष्ठा बना के रखे, हम लोग के उसी पोस्ट पे बहाली ले या समायोजन करे या फिर उसी पोस्ट पे बनाए रखे। तो प्रखंड परियोजना परिषद के कर्मचारी थे, वो JDU कार्यालय पहुंचे थे और वहां मंत्री अशोक चौधरी को घेर कर ये लोग अपनी बातों को रख रहे थे। क्या कुछ है इन लोगों और अशोक चौधरी के बीच में बातचीत का अंत, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो में। प्रखंड परियोजना सहायक के पद पे 3 साल कार्य किए, इसके बाद कहा है कि 10 अगस्त 2022 को लेटर निकलता है निदेशक महोदय के द्वारा। कॉन्ट्रैक्चुअल 3 साल की बहाली हुई होगी? जी नहीं, एक साथ 4 पद बहाल, 3 कार्य कर रही है सर, 1 पद को हटाया गया है। लिखा गया था सर, सर योजना अवधि 10, एक आदमी बोलिए ना, योजना अवधि 7 साल तक हम लोगों को 4 पद पर नियुक्ति गई थी,
दू गो जिला में और दू गो प्रखंड स्तरीय का तीन पद की नियुक्ति अभी भी मतलब कार्य कर रहे हैं, एक पद को हटा दिया गया है और इनका कहना है कि केंद्र हटाया, मतलब मंत्री जी कह रहे हैं कि केंद्र हटाया, केंद्र मंत्री ये डिपार्टमेंट है ना, एक मेरी बात सुनिए ना, खूब सी योजना ट्रेन का योजनाओं के लिए हम लोग कर्मचारी लेते हैं, योजनाओं को पूर्ण करें जी, उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लेते जी, उसको हम लोग पी एस सी के थ्रू जी, उदाज सरकार से सैंक्शन पोस्ट नहीं जी, तो जब योजना खत्म हो जाए जी, योजना अरे भाई ये आपका है ना, तो सैंक्शन जहाँ से पैसा केंद्र से आता है मंत्री जी से बात अंदर जा रहे, हम आपके लिए आए हैं, आप अपने विभाग में आइए, सरकारी काम है, हम यहाँ पर अपने वर्कर के लिए आए हैं।